दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारी दो बहुओं की दिल को छूने वाली हिंदी कहानी में। यह है कहानी देवरानी और जेठानी की, दिल को छूने वाली कहानी है। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट करके जरूर बताना। अनीता को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी और पति भी कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने खाना बनाया, बस चुपचाप पति और सास खा कर चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं खाया, इसका उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि सास तो अनीता को पसंद ही नहीं करती थी। उसके हाथों से जरा सी भूल हो गई तो सास तो तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात तो यह थी कि पति और अनीता के बीच भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर अनीता को फ़ोन करता था और पूछता था, भाभी कैसी हो? उसका फ़ोन आने पर अनीता बहुत खुश होती थी, क्योंकि मन हल्का करने का बस देवर ही तो एक सहारा था। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई भी खत्म हो गई थी और वह घर आया। थोड़े समय के अंदर ही अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अनीता बहुत ही खुश थी। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। इसके लिए भी सास यही कहती थी कि इसने ही बोला होगा। बस ये सब सारा दोष अनीता को ही देती रहती थी सास। अनीता को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कह दिया, माँ मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, उसी से शादी भी करूँगा। बस उसने जिद की तो अनीता कहती, देवर जी यह बात आपने पहले बतानी चाहिए थी। अनीता ने ये बात अपने पति के कानों में भी डाली। इस बात पर उसने थोड़ी सी किटपिट तो की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसने भी हाँ कह दी। अनीता बहुत खुश हुई, उसे लगा कि एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी? वह हमारे साथ इस घर में खुश रहेगी या वह अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को? इस विचार से थोड़ा टेंशन में आ गई अनीता। कुछ दिनों के बाद ही अनीता की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने भी अपनी छोटी बहू की तारीफ करना शुरू कर दिया था, उसे माँ जैसा प्यार करने लगी थी। यह सब कुछ देखकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव होता था? कभी भी सासू माँ ने मुझे माँ जैसा प्यार नहीं दिया था। अब थोड़े दिनों के बाद छोटी देवरानी तो पूरे घर पे राज करेगी और फिर मेरी जगह तो वहाँ कोने में होगी। अपने ही विचारों में खोई रहती थी अनीता। बस अनीता के भाव समझने पर छोटी देवरानी अनीता के हाथ अपने हाथ में लेकर बोलती है, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन कामों में वह कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी अनीता के पास जाती थी, मदद मांगती थी, ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास गुस्सा होती थी कि मेरी रहती हुई छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर दो चार काम शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों बहुओं को सिखाने लगी, भूल समझकर समझाने भी लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा, उसके स्वभाव में भी खुलापन आ गया था। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को सम्मान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल थोड़ा हंसता खेलता हो गया था। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की अच्छी मिलीभगत देखकर अनीता का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई, दीदी इस घर पर पहला हक तो आप ही का है, ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपनी
जेठानी को दे दी। साल भर में अनीता के देवर को अच्छा वेतन भी मिलने लगा और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी। मैं फिर अकेले रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों के बाद बदल गया है वह फिर से वही हो जाएगा। इस विचार से अनीता डर गई थी, क्योंकि देवरानी की अनीता को आदत हो गई थी उसके बिना तो यह घर काटने को दौड़ेगा और देवरानी जाते ही घर का माहौल भी बदल जाएगा। वह भी थी ही ऐसी खुश मिजाज और ऊर्जावान, जैसे नाम से ही पता चलता है। इधर देवरानी की हालत भी कुछ ही ऐसी थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, और अगर पति के साथ चली गई तो बस वहाँ अकेले नए माहौल में कैसे रह पाएगी। अनीता भी सोच में डूबी रहती थी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया, दीदी मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी, उससे अच्छा तो मैं यहीं रहूँ। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें, मैं भी उनके साथ जाया करूँगी। बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीनों में वापस यहाँ ही बदली करा कर आ जाऊँगा, अपने पति की नकल करके देवरानी बोली। और छोटी देवरानी भी हंसने लगी, अपनी आँखों से आंसू पूंछते हुए अनीता बोली, छोटी यह दिन वापस नहीं आने वाले हैं, जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी कोई तो अपना होना चाहिए ना। दीदी आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया है, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला है। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं, वहां अकेली का मन नहीं लगेगा, 6 महीनों का ही तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहां पर। यह सुनकर अनीता ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी अनीता को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता है, अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, दो अलग अलग घर और ससुराल में आने वाली अलग अलग घरों की लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं, पता ही नहीं चलता कब एक दूसरे की आदत हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता भी बहनों से कम नहीं है। आप लोगों को हमारी देवरानी और जेठानी की दिल को छूने वाली कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। जहाँ प्यार होता है, अपनापन होता है, वहाँ ही सारी खुशियाँ होती हैं और खुशियों से ही घर होता। कहते हैं ना, ईंट पत्थरों से घर नहीं बनता, घर तो अपनों की खुशियों से ही बनता है। तो बस मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते जी।